फ्रेंड्स, हिंदी की ई पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं अरुण प्रजापति। व्याकरण के अध्ययन में हम आज दूसरा चैप्टर वर्ण विचार के बारे में पढ़ेंगे। कल हमने देखा कि वर्णों के दो भेद होते हैं, एक तो स्वर और दूसरे व्यंजन। आज हम स्वर के बारे में पढ़ेंगे। उच्चारण के समय के आधार पर स्वरों के तीन भेद किए गए हैं, तीन भेद, जिसमें से पहला है ह्रस्व स्वर, दूसरा है दीर्घ स्वर और तीसरा है लोप। अब अगर ह्रस्व स्वर में हम देखें तो अ, ई, उ, री आदि आते हैं। दीर्घ स्वर में आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ और प्लुत में प्लुत, एस जैसा उच्चारण आता है। अब अगर ह्रस्व स्वर की हम बात करें तो जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम यानी कि एक मात्रा का ही समय लगता है उसे हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। ये संख्या में चार है, अ, ई, उ तथा री। दूसरा आता है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर यानी कि जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगना यानी कि दो मात्राओं का समय लगता है वे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। ये संख्या में सात है, जिनमें आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ तथा औ आता है। जबकि प्लुत स्वर में जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वरों से अधिक समय लगता है वह प्लुत स्वर कहलाते हैं। इसको दिखाने के लिए एस के आकार में चिन्ह लगाया जाता है, जैसे ओम, हे राम, सुनो आदि शब्दों के उच्चारण में इनका उपयोग किया जाता है। अब स्वरों की मात्राओं की बात अगर हम करें तो स्वरों का प्रयोग जब व्यंजनों के साथ किया जाता है तब उनका स्वरूप बदल जाता है। अकेले में हो तो सेम रहते हैं लेकिन व्यंजनों के साथ उसका उपयोग किया जाता है तो वो बदल जाते हैं। उनके मूल स्वरूप के स्थान पर कुछ चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। ये चिन्ह ही मात्रा कहलाते हैं। अ को छोड़कर सभी स्वरों की मात्राएं अलग अलग होती। जैसे छोटा अ के लिए कोई वो नहीं, जबकि बड़ा अ के लिए खड़ी पाई का उपयोग, छोटी के लिए खड़ी पाई फिर ऊपर से एक चिन्ह लगा दिया जाता है, बड़ी के लिए खड़ी पाई फिर पीछे से उसके ऊपर चिन्ह लगाया जाता है, छोटा उ नीचे की तरफ, बड़ा उ दूसरी तरफ, री के लिए नीचे हलंत का चिन्ह लगाया जाता है, ए के लिए बड़ी पाई खींच के ऊपर से बड़ी मात्रा, ऐ के लिए दो मात्राओं का प्रयोग किया जाता है, जबकि ओ के लिए खड़ी पाई फिर उसके ऊपर एक मात्रा और औ के लिए खड़ी पाई और उसके ऊपर दो मात्राओं का उपयोग किया जाता है। जबकि अयोगवाह में अंग और अह आते हैं, अंग के प्रयोग के लिए व्यंजनों के ऊपर एक बिंदी रख दी जाती है, जबकि अह के प्रयोग के लिए व्यंजनों के बगल में दो बिंदियां रखी जाती है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो यहाँ पे
उनके मूल स्वरूप में परिवर्तन हो जाता है और दूसरे जो है वो चिन्हों का उपयोग किया जाता है। आगे हम देखते हैं कि अनुस्वार के प्रयोग में जब किसी वर्ण का उच्चारण करते समय हवा केवल नाक से निकलती है, तब उसे प्रकट करने के लिए शिरोरेखा के ऊपर एक बिंदु लगा दिया जाता है, बिंदु का चिन्ह लगाया जाता है, इसे ही अनुस्वर कहा जाता है। जैसे बंदर, कंघा, कंधा, संग, लंगर आदि। पंचम वर्ण वाले स्थान पर अनुस्वर का प्रयोग बिंदु के रूप में किया जाता है। शब्द के अनुस्वार के बाद जो व्यंजन लगा हो उसी वर्ग के पंचम वर्ण के अनुसार उसके रूप में बोला जाता है। जबकि अनुनासिक का प्रयोग हम जब किसी वर्ण का उच्चारण करते समय हवा नाक और मुंह दोनों से निकलती है, तब उस वर्ण के ऊपर चांद बिंदी लगाया जाता है, इसे ही हम अनुनासिक कहते हैं। जैसे पंखुड़ी, तांगा, लहंगा, धसना, हंसी आदि। इसके अलावा आता है विसर्ग। विसर्ग इस ध्वनि का उच्चारण है के समान होता है, यह स्वर नहीं है। अ के साथ जोड़कर अह की तरह लिखा जाता है, यानी कि अ के बगल में दो बिंदुएं साइड में रख दी जाती हैं। इसका प्रयोग प्रायः शब्द के अंत में किया जाता है, जैसे प्रातः, अतः, स्वतः आदि।